अभी आपको बरह रास्त लिए चलेंगे वज़ीर तालीम मुरादराज कायद आज़म अकेडमी वहदत रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखें 1 मिलियन का टारगेट, क्योंकि अभी आपको पता है कि सर्टेनिटी इसमें इतनी नहीं है कि स्कूल कितनी देर खुले रहने, क्योंकि ये तो हम वीक टू वीक देख रहे हैं, तो वीक टू वीक हमें पता लग रहा है कि टाइमिंग क्या है। हमारा टारगेट है कि होपफुली अगले 3, 4, 5 महीने के अंदर अंदर ये 1 मिलियन बच्चे वापस आए स्कूलों में, जो कि पिछले साल के अंदर चले गए। अगर वो साल में गए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आधे टाइम में या उससे भी कम टाइम में इंशाल्लाह ताला ये बच्चे पूरे हों और वापस स्कूलों के अंदर आए, और इससे भी बड़ा नंबर हमारे पास हो आपको बताने के लिए। अच्छा किया आपने, निशानदाही की है। देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपने बिल्कुल ठीक चीज़ की। 1,20,000 स्कूल हैं जिनको हमने मॉनिटर करना है, प्राइवेट और पब्लिक मिला के पंजाब के अंदर। हमारे पास, मैं क्योंकि सच बोलना चाहिए खड़े होके, हमारे पास इतने लोग नहीं जो सब जगह जा सके। हम कोशिश करते हैं कि सब जगह कम अज़ कम एक दफ़ा दो दफ़ा जाएँ। मुझे सबकी सपोर्ट चाहिए इसके अंदर, आपकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मीडिया को सबसे ज़्यादा पता होता है या लोग इन्फॉर्म करते हैं कि जी कहाँ पे, जिस तरह आपने भी स्कूल की निशानदेही की, इस स्कूल का लिखें फौरन और इस स्कूल को फौरन बताएं जी जो इन्होंने निशानदेही की है कि वो स्कूल क्यों नहीं सुबह। बिल्कुल आप भेजें, हमें दें, उमर को दें इधर प्लीज़। सो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जहाँ पे आप समझ रहे हैं कि निशानदेही करें कि जहाँ पे SOPs फॉलो नहीं हो रहे, वहाँ पर हम डंडे के जोर पर SOPs फॉलो करवाएंगे। ये गारंटी है आपको, मेरी गारंटी है आपको कि डंडे के जोर पर मैं SOPs फॉलो करवाऊँ। एक एक करके सबको, सबकी बात करूं। देखिए अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि अभी उनको साथ साथ कंपाइल हम कर रहे हैं, मुझे पता है कुछ टीचर्स के अंदर भी आया, लाहौर में भी आया, दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में भी आया।